हेलो स्टूडेंट्स वी आर डिस्कसिंग चैप्टर थर्ड ऑफ द क्लास नाइन्थ साइंस द नेम ऑफ चैप्टर इज ऐटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी एटम्स के बारे में और ऐटम्स के साइज़ के बारे में ठीक है साथ में हमने स्टडी किया था केमिकल सिंबल ऑफ़ एलिमेंट्स जो भी आपके एलिमेंट्स हैं तो उनको कैसे रिप्रजेंट करते हैं ठीक है तो हमने बात की थी जो भी एलिमेंट है आपके प्रियोडिक टेबल में तो उनके जो फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है उसको कैपिटल में क्या है राइट डाउन करते हैं अगर आपके सिमिलर आइटम्स हैं जैसे आपका बोरोन बरेलीम ठीक है तो उसमें क्या करते हैं हम साथ में जो प्रोमिनेंट आपका अल्फ़ाबेट है उसको यूज़ करके क्या है सिंबल को लिखते हैं ठीक है तो इस टाइप से हमने सिंबल्स के बारे में बात की थी ठीक है आज हम बात करेंगे एटॉमिक मास के बारे में ठीक है वी नो दैट द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द मैटर इज एटम इट इज़ सो स्मॉल इन साइज दैट मे नॉट बी पॉसिबल टू आइसोलेट ए सिंगल एटम एंड देन वेटिड ठीक है अब हमें पता है जो एटम्स है वो किसी भी मैटर का क्या है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ठीक है जो मैटर है आपका क्या है ऐटम से मिल के फॉर्म होता है ठीक है तो ऐटम्स क्या है किसी भी मैटर का क्या है स्मॉलेस्ट पोर्शन है आपका ठीक है तो साइज है जो एटम का वो क्या है बहुत छोटा होता है ठीक है तो इसको क्या है सिम सिंग जो एटम है किसी भी मैटर का उसको हम क्या है वे नहीं कर सकते मोर एवर द मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली स्मॉल जो आपका एलिमेंट का जो भी एलिमेंट का एटम है ठीक है उसका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा क्या है स्मॉल होता है फॉर एग्जांपल एन एटम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ मास इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम ठीक है और वी कैन से वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी सेवन के जी ठीक है ग्राम में ट्वेंटी फोर माइनस आ जाएगा और ग्राम्स में uh, एक के जी में ट्वेंटी सेवन ठीक है तो आपके पास जो हाइड्रोजन का मास है वो क्या है वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू द पावर माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम वट डज इट शो इट इंडिकेट्स दैट ग्राम्स और किलोग्राम्स इज वेरी विक यूनिट टू एक्सप्रेस द मास ऑफ एन एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट मतलब जो आपकी जो के जी और ग्राम यूनिट है वो पर्टिकुलर जो हम एटम को वे करते हैं तो उसके लिए क्या है बहुत ज़्यादा बिग यूनिट है ये ठीक है एटॉमिक मास एज रिलेटिव मास टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इट वॉज सजेस्टेड दैट मास ऑफ एन एटम शुड बी एक्सप्रेस एज द रिलेटिव मास ठीक है तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है जो मास ऑफ एन एटम है ठीक है उसको क्या है रिलेटिव मास में एक्सप्रेस किया किया गया ठीक है इट कुड बी डन बाय द फिक्सिंग ऑफ द मास ऑफ सम एटम्स ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट एज दिस स्टैंडर्ड मास इसमें क्या रिलेटिव मास में क्या लिया कि जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट uh, को लिया ठीक है और उसका मास क्या है स्टैंडर्ड ले लिया ठीक है कि ये क्या है फिक्स है ठीक है स्टैंडर्ड मास लिया द मास ऑफ द अदर एटम कुड बी कंपेयर्ड रिलेटिव टू इट ठीक है और फॉर uh, एग्जांपल अगर किसी एलिमेंट का एक्स का फिक्स कर दिया ठीक है तो जो भी आपके ए बी सी एलिमेंट है ठीक है तो उसको क्या है देखो एक एलिमेंट को कर दिया फिक्स स्टैंडर्डाइज कर दिया कि इसका मास ये है ठीक है तो बाकी जो एलिमेंट्स है तो उनको क्या है उस, उसके साथ कंपेयर किया गया कि ये जो एलिमेंट है ये कितना हैवियर एक्स से है ठीक है तो एक एलिमेंट को फिक्स कर दिया बाकी का क्या है उससे कंपेयर करते रहे ठीक है इन द बिगिनिंग हाइड्रोजन वॉज चूजन टू बी स्टैंडर्ड एलिमेंट बिकॉज इट हैपन्स टू द लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन मे बी एक्सप्रेसड एज ठीक है जो रिलेटिव मास है वो सबसे पहले एक्स की जगह क्या लिया गया हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फिक्स किया गया क्योंकि ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था टेबल में ठीक है तो जो रिलेटिव मास के लिए यूज़ किया गया रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ़ एन एलिमेंट किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना है तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट है उसके मास का वन एटम के मास अपॉन मास ऑफ वन एटम ऑफ द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मास के द रिलेटिव एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट नोन एज ए एम यू एटोमिक मास यूनिट ठीक है जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको एक्सप्रेस किस में किया गया ए एम यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट में ठीक है ये यूनिट थी आपकी रिलेटिव एटोमिक मास की हाउ एवर इट कैन बी सिंपली एक्सप्रेस्ड एज यू और इसको डिनोट किससे करते हैं यू से यूनिफाइड मास एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज सिक्सटीन टाइम्स हैवियर देन द एटम ऑफ द हाइड्रोजन ठीक है जब आपने uh, क्या कर दिया फिक्स कर दिया कि हाइड्रोजन का क्या है वन है ठीक है तो फिर ऑक्सीजन का कंपेयर किया कि मतलब जो हाइड्रोजन है वो सिक्सटीन टाइम आपका हैवियर है हाइड्रोजन से दिस मीन्स दैट इफ़ एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज़ वन यू देन द एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इज सिक्सटीन यू अगर इसका वन यू है तो इसका ऑक्सीजन का क्या है सिक्सटीन यू देअर इज नो नीड टू कंसिडर एक्चुअल मास ऑफ द एलिमेंट फॉर द एक्सप्रेसिंग दियर एटॉमिक मासस ठीक है इसके लिए क्या है एक्चुअल मास की जरूरत नहीं थी एक्सप्रेस करने के लिए ठीक है द प्रॉब्लम विद हाइड्रोजन इज दैट इट एक्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स विद डिफरेंट मासस अब प्रॉब्लम कहाँ पर आई कि हाइड्रोजन को तो फिक्स कर दिया पर इसके क्या है थ्री आइसोटोप थे ठीक है जिनका क्या है डिफरेंट डिफरेंट मास था ठीक है इस टाइप से क्या है वन टू सॉरी टू और थ्री तो इसके क्या है थ्री आइसोटोप्स थे ठीक है तो वो क्या है उसकी वजह से क्या है प्रॉब्लम क्रिएट हुई विच फॉर्म शुड बी कंसिडर टू कंपेयरिंग द एटॉमिक मासज वॉज ए बिग प्रॉब्लम देन द हाइड्रोजन वॉज रिप्लेस बाय ऑक्सीजन एज ए स्टैंडर्ड एलिमेंट उसके बाद क्या है हाइड्रोजन के बाद क्या है ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया गया ठीक है पर आपका ऑक्सीजन में भी सिमिलर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी ठीक है इन 1961 आई आई बॉडी सेलेक्टेड मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप्स ऑफ कार्बन विद द मास 12 यू एंड वन ट्वेल्थ ऑफ दिस मास वन यू वॉज कंसिडर्ड एज द स्टैंडर्ड इन द लाइट ऑफ दिस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ वन एलिमेंट अपॉन वन ट्वेल्थ मास इंटू मास ऑफ वन ऐटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ठीक है विच इज इक्वल टू वन यू ठीक है मीन्स जो आपका एटोमिक मास यूनिट है तो वो किसकी इक्वल है ठीक है मास ऑफ वन ऐटम ऑफ द एलिमेंट जो एलिमेंट है उसका एटोमिक मास अपॉन आपका वन ट्वेल्थ मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन ट्वेल्व ठीक है तो एन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन ट्वेल्थ मास ऑफ मास ऑफ एन एटम वन एटम ऑफ कार्बन टेकन अस ट्वेल्व फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन इज सिक्सटीन यू दिस मीन्स दैट एन एटम ऑफ ऑक्सीजन इज सिक्सटीन टाइम्स हैवियर देन द वन ट्वेल्थ मास ऑफ द कार्बन ऐटम टेकन एज वन यू ठीक है अब क्या है कार्बन को क्या है फिक्स ले लिया ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है अगर आपने एटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या है वन सिक्सटीन वन ट्वेल्थ पार्ट है मतलब इस एलिमेंट का ठीक है तो वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ द कार्बन ऐटम ठीक है तो वन ट्वेल्थ ये तो ग्राम में था ना ये तो एलिमेंट का एटॉमिक uh, मास है ऑक्सीजन का मीन्स ओ टू का तो ये क्या है ऑक्सीजन का मीन्स सिंगल ओ का ठीक है तो यहाँ पे क्या है वन ट्वेल्थ ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन तो वन ट्वेल्थ एटॉमिक मास क्या है ट्वेल्व यू तो ये तो कैंसल हो गया ये सिक्सटीन इंटू वन तो ये आ गया आपके पास सिक्सटीन यू ठीक है इस टाइप से हम क्या है जो एटॉमिक मास है वो फाइंड आउट करता है किसी भी एलिमेंट का ठीक है तो एटॉमिक मास आपके पास क्या है इस जो डेफिनेशन आपके पास आएगी एटॉमिक मास की द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू द वन ट्वेल्थ मास ऑफ वन एटम ऑफ द कार्बन ट्वेल्व मीन्स आपका एवरेज रिलेटिव जो मास है एटम का किसी भी एलिमेंट का अगर आपने फाइंड आउट करना है तो उसको कंपेयर करना है वन ट्वेल्थ मास ऑफ द कार्बन ट्वेल्व ठीक है तो जो यूनिट है आपकी वो क्या आती है इसकी एटॉमिक ठीक है जो एटॉमिक मास है वो उसकी यूनिट क्या है एएमयू या सिंपली हम यू से भी डिनोट करते हैं ठीक है थीके? तो ये क्या है एटॉमिक मास यूनिट मतलब जो ये वन ट्वेल्थ पार्ट आएगा एटॉमिक मास किसी भी एटम का एलिमेंट के किसी भी एटम का तो उसको हम यू से डिनोट करते हैं मीन्स अगर आपके पास ऑक्सीजन है ठीक है ऑक्सीजन का मास क्या है मास ऑफ ऑक्सीजन क्या है सिक्सटीन है अगर हमने इसके एटम का मास निकालना है ठीक है एटॉमिक मास निकालना है तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ठीक है तो ऑक्सीजन का क्या आएगा कि आपका जो मास ऑफ वन एल एन एलिमेंट एटम ऑफ द एलिमेंट मीन सिक्सटीन अपॉन वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन एटम सॉरी ये क्या आएगा आपके पास सिक्सटीन इंटू वन ट्वेल्थ पार्ट है ना ये वन ट्वेल्थ पार्ट ऑफ कार्बन ट्वेल्थ ठीक है मतलब एटॉमिक मास इसका जो कार्बन का देखो मास ऑफ वन कार्बन एटम ठीक है atom, तो ये कितना आएगा आपके पास सिक्सटीन इंटू इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व मीन्स ये ऑलवेज आपका वन यू आएगा जो आपका एटॉमिक मास ऑफ ठीक है जो ये वाली यूनिट है मतलब कार्बन uh, जो यहाँ पे हमने वन ट्वेल्थ मास ऑफ वन वन टवेल्थ मास ऑफ वन कार्बन एटम ठीक है तो वन ट्वेल्थ मास क्या ये क्या है कांस्टेंट आ गया स्टैंडर्डाइज किया इसको ये क्या है वन यू तो हमने क्या है इससे कंपेयर करना है तो कोई भी अगर आपने नाइट्रोजन का निकालना है एटॉमिक मास एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का क्या आ जाएगा मीन्स ये भी क्या होगा नाइट्रोजन का क्या होता है फोर्टीन एटॉमिक मास नाइट्रोजन का एलिमेंट का है ये ठीक है तो अगर आपने किसी एलिमेंट का निकालना है तो ये वन ये ग्राम है ठीक है तो इन टू ट्वेल्व ठीक है तो ये कैंसल आउट हुआ वन ट्वेल्थ ऑफ कार्बन कार्बन का क्या है एटॉमिक मास ट्वेल्व तो ये आ जाएगा आपके पास फोर्टीन ए एम यू मतलब इसको डिनोट करेंगे एटोमिक मास यूनिट ठीक है तो ये इसकी मेन जो आपने अगर किसी भी एलिमेंट के एटम्स का आ, रिलेटिव एटॉमिक मास अगर निकालना है तो इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे और हम क्या बोल सकते हैं इस इक्वेशन से कि जो आपका एटॉमिक मास है ठीक है एटॉमिक मास इज़ ए नंबर ठीक है इज ए नंबर विच एक्सप्रेस एज हाउ मेनी टाइम्स एन ऐटम ऑफ द एलिमेंट इज़ हैवियर देन वन ट्वेल्थ मास ऑफ द कार्बन ऐटम मीन्स आपका कितना हैवियर है कोई भी एलिमेंट का एटम वन ट्वेल्थ मास ऑफ द कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप ठीक है क्योंकि हम यहाँ पे कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप्स क्यों लेते हैं क्योंकि ये जो है मोस्ट अबर्डेंट है और मोस्ट स्टेबल है ठीक है इसलिए हम क्या है इसको स्टैंडर्ड लेते हैं कार्बन ट्वेल्व आइसोटोप को ठीक है तो इस टाइप से हमने क्या है एटॉमिक मास अगर किसी भी एलिमेंट के एटम का निकालना है तो इस टाइप से हम फाइंड आउट करेंगे